नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में रखी आधारशिला। 92 एकड़ जमीन पर होगा विश्वविद्यालय का निर्माण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2019 में लिया था विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनेगी यूनिवर्सिटी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला, 3 नागरिक हुए घायल, जारी है तलाशी अभियान। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सख्त हुआ मानवाधिकार आयोग, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस भेजकर मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, वर्धा नदी में अभी भी 8 लोग लापता, तलाश जारी। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा, सिसोदिया बोले, केजरीवाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जो राम की प्रेरणा से चला रहे सरकार। सहारनपुर में रोडवेज की 2 बसों में जोरदार टक्कर, दिल्ली देहरादून हाईवे पर दुर्घटना में दर्जन भर यात्री हुए घायल। बिजनौर के खो-खो खिलाड़ी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, फोन की रिकॉर्डिंग से हत्यारे शहजाद तक पहुंची पुलिस, गिरफ्तारी के बाद उगले सारे राज। फिरोजाबाद में नहीं सुधर रहे हालात, 2 दिन में 16 मरीजों की हुई मौत, 151 पर पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस पासवान पर दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज, FIR में चिराग पासवान का भी नाम। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, उफान पर आया झरझर गाढ़ नाला। उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज पहुंचे देहरादून, बुधवार को राजभवन में लेंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर एक बार फिर बमबारी का आरोप, TMC ने किया पलटवार, खुद ही करवाया हमला। करीबियों में कोरोना संक्रमण मिलने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हुए सेल्फ आइसोलेट, पुतिन ने रद्द किया ताजिकिस्तान का दौरा। अमेरिका में छिड़ी बड़ी बहस, अगर तालिबानियों का प्रवक्ता चला सकता है ट्विटर तो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप क्यों नहीं। सोने की वायदा कीमत में आज रही 12 रुपए की तेजी, चांदी की वायदा कीमत में भी रही 7 रुपए की बढ़ोतरी। CM उद्धव ठाकरे ने दिया निर्देश, दूसरे राज्यों के प्रवासियों का बनेगा रजिस्टर, महाराष्ट्र में सियासत गर्म, भाजपा हुई हमलावर। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने कसा तंज, बोले जो नफरत करे वह योगी कैसा। फिल्म सीत द इनकारनेशन में सीता के अवतार में नजर आएंगी कंगना रनौत, राम की भूमिका पर सस्पेंस कायम। IPL 2021 में RCB की शानदार पहल, पहले मैच में कोविड योद्धाओं के सम्मान में ब्लू जर्सी पहनकर खेलेगी विराट कोहली की टीम।